अस्सलाम वालेकुम, बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सुमैया रिजवान। और मैं हूं बुशरा हक। लेकिन सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। नवाज शरीफ शदीद ज़हनी दबाव में हैं। इलाज के बगैर पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से रोक दिया। साबिक वजीर आजम की तिब्बी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से जमा कराई गई रिपोर्ट 3 सफहात पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना उनकी सेहत मजीद खराब कर सकता है। नवाज शरीफ एंजियोग्राफी करवाए बगैर लंदन से ना जाए। नवाज शरीफ अपनी अदवियात और खुली फजा में चहलकदमी रखें। चहलकदमी के दौरान कोरोना से बचाव के इकदाम भी करें। रिपोर्ट के मुताबिक कुलसुम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज्यादा दबाव में हैं। इसी पर हम बात करेंगे मुनीर बाजवा से। जी मुनीर। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट जमा करवाई गई है। ये अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से जमा करवाई गई है, जो 3 सफहात पर मुश्तमिल है, जिसमें ये कहा गया है कि नवाज शरीफ जो है वो अपनी बीमारी के बायस बैरून मुल्क सफर ना करें। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि नवाज शरीफ को क्रोनो एंजियोग्राफी करवाए बगैर लंदन से नहीं जाना चाहिए और अपनी अद्वियात को जारी रखना चाहिए। इस रिपोर्ट में नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया गया है कि वो साथ में अपनी चहलकदमी को जारी रखें और इस दौरान कोरोना से बचाव के इकदाम जो है वो भी करें। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ अभी शदीद ज़हनी दबाव में है और अगर बगैर इलाज के पाकिस्तान गए तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। इस रिपोर्ट में यह भी वाजह किया गया है कि ज़हनी दबाव के माहौल में जो है वो नवाज शरीफ की बीमारी जो है वो मजीद बिगड़ सकती है और कुलसुम नवाज की वफात के बाद नवाज शरीफ ज्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है और इस सूरत हाल में नवाज शरीफ अगर पब्लिक प्लेस पर जैसे एयरपोर्ट वहाँ पर गए तो कोरोना के खदशात के बायस, चूंकि ये दिल के मरीज हैं, इस कोरोना जो है उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की जब तक एंजियोग्राफी क्रोनो एंजियोग्राफी नहीं हो जाती उन्हें अपने सेहत सेंटर के पास रहना चाहिए और अपने इलाज के लिए जब तक उनका क्रोनो एंजियोग्राफी नहीं होती अपनी हाई डोज मेडिसिन जो है वो जारी रखें। ये डॉक्टर फयाज सवाल की जानिब से जारी की गई है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी कोई सवाल से कोई सवाल हो तो वो उनसे रब्ता भी कर सकता है। ठीक है मुनीर बाजवा, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक 74 और 75 कलदम करार दे दी। अदालत ने बल्दियाती इख्तियार से मुतालिक महफूज फैसला सुनाते हुए एमकेएम पाकिस्तान की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने यह करार दिया कि हुकूमत सिंध बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। बल्दियाती हुकूमत के तहत कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। मास्टर प्लान बनाना और अमल दरामद करना बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियार में है। हुकूमत सिंध बाख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। बल्दियाती हुकूमत के तहत कोई नया मनसूबा सूबाई हुकूमत शुरू नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक 74 और 75 कल अदम करार। बल्दियाती इख्तियारात से मुतालिक एमकेएम पाकिस्तान की दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने महफूज किया गया फैसला पढ़कर सुनाया। फैसले में कहा गया कि मास्टर प्लान बनाना और अमल करना बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। इन्हें आइन के तहत बल्दियाती हुकूमत को माली इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। अदालत ने कहा कि हुकूमत सिंध मुकामी हुकूमतों के साथ हम आहंगी और अच्छा वर्किंग रिलेशन रखने की पाबंद है। तहम तमाम कवानीन की आर्टिकल 140A से हम आहंगी यकीनी बनाए जाए। बल्दियाती इख्तियारात के लिए PTI और MQM ने 2017 में अदालत से रुजू किया था। MQM की दरखास्त पर फैसला 26 अक्टूबर 2020 को महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने फैसला मुलाजमत के आखिरी दिन सुनाया। और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का अदालती फैसले पर ट्वीट, कहा सुप्रीम कोर्ट ने आज लोकल गवर्नमेंट पर अहम फैसला दिया है। मकामी हुकूमतों के इख्तियारात अगर सही मानों में प्रोविजनल फाइनेंस अवार्ड नाफिज हो गए तो 18वीं तरमीम से जो इख्तियारात की मरकजियत पैदा हुई वो खत्म होगी, इससे एक जमहूरी निज़ाम जन्म लेगा। उन्होंने मजीद लिखा कि सिंध हुकूमत इस फैसले पर मिनवान अमल करे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असद उमर ने कहा कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमारे मौकिफ की तायद है। रोजे अव्वल से कहते आए कि सिंध हुकूमत का बनाया गया कानून आइन से मुतसादिम और नकायद से भरपूर है। शहरियों की फलाह तरक्की के लिए सही मानों में एक बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम के सिवा
कोई दूसरा रास्ता नहीं। असद उमर ने कहा कि सिंध में एक बाइख्तियार बलदियाती निज़ाम के हवाले से जद्दोजहद जारी रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शाह महमूद कुरैशी की सेनेट में स्टेट बैंक बिल पर बहस के दौरान धुआंधार एंट्री। ऑपोजिशन लीडर को आईना दिखाया, कहा यूसुफ रजा गिलानी झूठ बोल रहे हैं, वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। गिलानी का इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था, ये कुर्सी के साथ चिपके रहेंगे। उन्होंने नू लीग के साथ हाथ किया, रातों रात तब्दीली कैसे आई, गिलानी कैसे ऑपोजिशन लीडर बन गए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि स्टेट बैंक बिल मंजूर हुआ तो ऑपोजिशन लीडर ऐवान में ही नहीं थे। अपोजिशन 42 ट्रेजरी 43, द बिल स्टैंड्स फास्ट। इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था, ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे, ये इसी कुर्सी पर चिपके रहेंगे, ये ड्रामा था, ये हाथी के दांत दिखाने के और है, चबाने के और है। नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ, और नून के साथ आइंदा भी हाथ होने वाला है। मौजूदा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किस तरह सेनेटर मुंतखब हुए, वोटों को खरीद कर, क्या ये इलेक्शन कमीशन में, क्या इलेक्शन कमीशन में इनकी पटिशन नहीं चल रही, क्या ये तारीखें नहीं भुगत रहे? आज भी इलेक्शन कमीशन ने इनका केस लगा हुआ है, इनकी वीडियोस, इनके साहबजादे की वीडियोस पूरे मीडिया में चलती रही है कि ये डोली लगाते रहे हैं, ये वोटों को खरीदने की कोशिश करते रहे हैं। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इज अ कॉम्प्रोमाइज लीडर। क्या आपको अपनी सफों में रजा रबानी जैसा मंझा हुआ पार्लियामेंटेरियन दिखाई नहीं देता, शेरीन रहमान साहिबा जैसी मंझी हुई सियासतदान दिखाई नहीं दे रही? एक कॉम्प्रोमाइज, एक पिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। प्लीज पर्सनल लॉन्च जी, इस तरह एक्सपेंस कर दें जी, इस तरह नहीं। थैंक यू। शाह महमूद कुरैशी ने सेनेट की तौहीन की, उनकी तकरीर वजीर खारजा के मयार की तकरीर नहीं थी। शाह महमूद कुरैशी को ऐवान के अंदर जवाब दूंगा। वजीर खारजा की तनकीद पर यूसुफ रजा गिलानी भी फट पड़े, कहा कि जब मैं स्पीकर था तो ये मेरे पार्लियामानी सेक्रेटरी थे, मोहतरमा ने मुझे कहा था कि इसे कुछ सिखाओ, ये आज मुझे कवायद सिखाने आए थे। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि सेनेट में हमारी अक्सरियत थी, हम चाहते तो वजीर खारजा की तकरीर ना होती, हम उठकर चले जाते तो ये किसको सुनाते, हमारी मेहरबानी है कि हमने उन्हें बोलने दिया। The way he talked today. अगर हम चाहते तो हमारी मेजॉरिटी थी, हम उठ के बात चले जाते तो किससे बात करता, तो वो तो हमने उसको मौका दिया कि आप बात करें, तो ये तो हमारी मैग्नानिमिटी है कि हमने उनको बात करने दिया। अदरवाइज हम जब जवाब दे सकते कि उसने कोई नई बात क्या की है जिसका जवाब वो चाहते हैं कि करें, नहीं करा तो आज तो स्पोक्स पर्सन शाह महमूद बना हुआ था, समझ गए। तो इसलिए मैं अभी जो मैंने बात करनी होगी वो मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस करूंगा। बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की। हमारा मुकाबला डाकुओं के टोले से है, ये चोरी करें तो कहते हैं हमें एनआरओ दे दो, गरीब चोरी करे तो उसे जेल में डाल दो। वजीर आजम इमरान खान एक बार फिर ऑपोजिशन पर बरस पड़े, कहा लंदन की सबसे महंगी जगह पर उनके घर हैं। बीबीसी ने उनकी करप्शन पर डॉक्यूमेंट्रीज जारी की हैं। कौम वसाइल की कमी नहीं चोरी की वजह से गरीब होती है। सुप्रीम कोर्ट बार ने चोर को मौका देने के लिए पटिशन दायर कर दी। आपको इसमें बुराई नजर नहीं आ रही तो फिर गरीब जेलों में क्यों हैं? इनको सबसे पहले खोलो, हमारी हुकूमत ना अहल है तो दुनिया में टॉप 3 की पोजीशन पर कैसे आ गई? इकोनॉमिस्ट मैगजीन जो दुनिया की इकोनॉमीज का जायजा लेती है उसके मुताबिक पिछले 3 साल में कोरोना कोविड के दौरान पाकिस्तान वो मुल्क था जो टॉप 3 पोजीशंस में 3 साल मुसलसल, सारी दुनिया में वो मुल्क जो ऊपर की 3 पोजीशंस में आया। हर जगह मैं सुनता हूँ नाहल गवर्नमेंट, ये खैर ऑपोजिशन से उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, उन्होंने तो कह रहे हैं कि नाहल हुकूमत, लेकिन नाहल हुकूमत टॉप 3 पोजीशंस पे दुनिया के अंदर किस तरह आ गई? ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो अगले 10 साल में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी
इकोनॉमी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे चली गई है। वर्ल्ड बैंक ने वेरीफाई किया है कि पाकिस्तान की जो अभी खुसरो ने जो बैज भी पहना हुआ है कि जो हमारी मईशत की ग्रोथ हुई है यानी दौलत में इजाफा हुआ है वो 5.37% है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था। हमने ये 5.37% किया। अब ये जो हेल्थ कार्ड आएगा ये पहली दफा छोटे शहरों में कस्बों में बल्कि गाँव में भी प्राइवेट सेक्टर जाएगा हॉस्पिटल बनाने क्योंकि अब लोगों के पास पैसे होंगे। नाराजगी या कोई और वजह, वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा भावलपुर में होने के बावजूद वजीर आजम की तकरीब से गायब। जराए बताते हैं कि वफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा भावलपुर में अपनी रिहायशगाह पर मौजूद हैं। नाराजगी है या कोई और वजह है, लेकिन जराए ये बता रहे हैं कि वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा भावलपुर में होने के बावजूद वजीर आजम की तकरीब से गायब हैं। वफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा भावलपुर में अपनी रिहायशगाह में ही मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक ताहयात नाअहली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच फैसला दे चुका है। SCB ने एतराजात के खिलाफ अपील का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल F-162 के तहत कानून साजों की ताहयात नाअहली को चैलेंज करने वाली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दायर दरखास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कई एतराजात उठाते हुए आइनी पटिशन को वापस कर दिया है। जरा ने बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक ये मामला पहले ही बड़ी बेंच के 5 जजों ने तय कर लिया है। इसी तरह दरखास्त गुजार के लॉक्स स्टैंड पर भी एतराज उठाया गया है। ताहम वकला का इदारा एतराजात के खिलाफ अपील दायर करने पर गौर कर रहा है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि आर्टिकल F-162 के तहत नाअहली का इतलाक इंतखाबी तनाजे की सूरत में होना चाहिए। इस आर्टिकल में सादिक और अमीन की तशरीह के तहत साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पैनामा पेपर्स केस में 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नाअहल करार दिया था। PGI रहनुमा जहांगीर तरीन को भी अदालत उज़्मा के अलग बेंच ने इसी शिक के तहत नाअहल करार दिया था। और इस मुतालिक एहसन भून का क्या कहना था आपको सुनाते हैं। इत्राजात का जवाब देके और हम तो करते हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसको सारी चीज को कंसीडर करेंगे तो इंशाल्लाह। सर कब तक इन चैम्बर में अपील फाइल कर देंगे? और दूसरी बात, ये पहले की तरह होगा, फाइल होगी नहीं होगी, होगी नहीं? देखें, दायर हो गई ना, दायर हो गई, आप सारों को कापियां शेयर कर दी। इसी वजह से ये खराबियां हैं हमारे निजाम में कि आप छोटी छोटी तकनीकी बुनियाद पे और इसी वजह से शकूको शबात भी पैदा होते हैं। लोगों के कहने से तो बहुत सारी बातें होती हैं। अटॉर्नी जनरल सर जी, मैं बात अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उन्होंने, आप देखें, आप वो उन्होंने इस हुकूमत की नौकरी भी तो करनी है, इसलिए वो मैं उन पर नहीं इतराज करता क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब एक, मैं समझता हूँ कि उनका DNA बड़ा अच्छा है, वो प्रोफेसर ND खान के बेटे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने बनू की तहसील बकाखेल में अमन व अमान केस पर फैसला सुना दिया। सूबाई वजीर शाह मोहम्मद को नाअहल कर दिया। शाह मोहम्मद को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने शाह मोहम्मद की सूबाई असम्बली की नशस्त भी ख़त्म कर दी। सूबाई वजीर के बेटे मामून रशीद भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। सूबाई वजीर शाह मोहम्मद को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बक्का खेल में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन पर हमले और अमन अमान की सूरत हाल खराब होने का नोटिस लेते हुए इंतखाब मुलतवी कर दिए थे। हमले में मुलविस शाह मोहम्मद के भाई समेत 21 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने केस का फैसला सुनाते हुए ये वादे किया कि कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा, वोटर्स को अपना हक के रायदही इस्तेमाल करने का पूरा मौका दिया जाएगा, किसी कानूनी खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुक्मरानों का अंजाम
अशरफ गनी जैसा होगा। हमें किसी से वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जब हम मैदान में आएंगे तो तुम भाग जाओगे। बताया जाए 74 साल तक कौमी सलामती पॉलिसी क्या थी। चमन में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने माशी लिहाज से मुल्क को कंगाल करके रख दिया है। स्टेट बैंक IMF के कंट्रोल में चला गया है। पाकिस्तान को गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।